महाभारत चल रहा है आकाश। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है किसी के। हाँ अच्छा, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। चलो आपस में बस मत सर शुरू करिएगा। सर हाँ हेलो हेलो। सर, ये कह रहे थे कि जो फ्रेम आप रैंडमली चूज किया ना, पहले चूज करते थे, फिर हाँ रैंडमली चूज किया ना फ्रेम हाँ सारे। रैंडमली है, कोई भी हो सकता है। ठीक है सर। चलिए, यहां तक क्लियर है ना सब? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो अभी टाइप कर लीजिए। ये हमारे में कोई एक स्टूडेंट है, राम भगवान, ये कौन है भाई? वीडियो ऑन करिए अपना। चला गया। सुमित, यस सर। कौन है ये? सर नहीं पता है हमको भी। बिना अरे सही नाम के सर, बिना सही नाम के सर ज्वाइन मत करवाइए। मैं सही में ब्लॉक कर दूंगा। जैसे अभी मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है, तो अगर सही नाम नहीं होगा, वीडियो नहीं ऑन होगा, तो मैं ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं इनेबल करूंगा आप लोगों के लिए। सर लाइव क्लास कर दीजिए, लेकिन बिना सही नाम का मत लीजिए सर। फिर ब्रांच वाइज मतलब ये कर लीजिए फिर। सीएस का तो है, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ। कौन है? सर कौन है हमको ही नहीं पता, कल हम ही पूछ रहे थे, पता नहीं चला। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। संस्कृति, एक सेकेंड। हाँ संस्कृति बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, जो अभी हम लोग ने ये यूजर वाला, आपने जो हम लोग को एक कंसेप्ट किया ये वाला किया है यूजर वाला, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इससे पहले वाले में तो आपने बताया था कि लॉजिकल, अगर हम लोग को लॉजिकल एड्रेस दिया रहेगा तो हम लोग को फिजिकल एड्रेस निकालना रहेगा, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो आपका आता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता इसमें। आपसे प्रोटेक्शन बिट हम पेजिंग टेक्निक में कैसे यूज करते हैं, इसी को एक्सप्लेन करना होगा विथ डायग्राम। तो यहाँ पर मैंने आपको वही चीज डायग्राम से बस समझाई है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। दिस इज थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट, और किसी का क्वेश्चन? चलो आगे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, उसमें हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या था कि हम जो भी प्रोग्राम था उसको डिवाइड कर रहे थे लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। जैसे नोटपैड था, तो नोटपैड को भी हमने तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो
तो अगर नोटपैड प्रोग्राम को एक्सेस करना है तो हमें इसके लिए पेज मैपिंग टेबल रेफर करना पड़ रहा है, उसके बाद वो पर्टिकुलर किस फ्रेम में है ये रेफर करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो अप्रोच है पेजिंग वाली, पेजिंग अप्रोच हमारा मॉड्यूलर टेक्निक्स को सपोर्ट नहीं करता। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब जैसे हम लोग जो प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसको फंक्शंस के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। एक मेन फंक्शन लिखा, अब मेन फंक्शन के अंदर हो सकता है मुझे इनपुट चाहिए था तो एक इनपुट फंक्शन लिखा, हमें कुछ कैलकुलेशन करना था तो एक कैलकुलेशन फंक्शन लिखा, फिर हमें कुछ डिस्प्ले रिजल्ट करना था तो उसके लिए एक रिजल्ट फंक्शन लिखा। तो लाइक वाइज यहाँ पर हमने अब एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे फंक्शंस लिखे, तो जो फंक्शंस लिखे वो फंक्शंस जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल साइज के हों, ठीक है? तब उनके बीच में शेयरिंग कैसे होगी? मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं इसी चीज को। सपोज आई एम राइटिंग अ सी प्रोग्राम, मैं एक सी का प्रोग्राम लिख रहा हूं। सी के प्रोग्राम में मैंने एक मेन फंक्शन लिखा। अब मेन फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ इनपुट की जरूरत थी तो मैंने एक फंक्शन लिखा इनपुट फंक्शन, जिसमें हम डेटा इनपुट ले रहे हैं। फिर इस डेटा पे हमें कुछ कैलकुलेशन करना था। सपोज कैलकुलेशन में एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, तो एक फंक्शन मैंने फैक्टोरियल लिखा। इसी में मुझे चेक करना था कि नंबर हमारा प्राइम है कि नहीं, तो मैंने एक प्राइम फंक्शन लिखा, ठीक है? इसका आउटपुट डिस्प्ले करना था तो आउटपुट के लिए मैंने एक फंक्शन लिख दिया रिजल्ट फंक्शन। तो अब जो ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस जरूरी नहीं है कि इक्वल साइज के हों, ऐसा कहीं पर भी कोई लिमिटेशन नहीं होता कि आपने जब फंक्शंस क्रिएट किए तो वो हमारे इक्वल साइज के हों। मतलब अगर इसको हम पेजेस में डिवाइड करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि मेन फंक्शन भी 10k साइज का हो, इनपुट फंक्शन भी 10k साइज का हो, फैक्टोरियल भी 10k साइज का हो। बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हमारे फंक्शंस की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज जब ये लेंथ करेगी तो हर एक फंक्शन का साइज कुछ अलग होगा, ठीक है? तो ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता कि हम अपने प्रोग्राम को पेजेस की फॉर्म में ब्रेक कर दें, दैट इज नॉट मच सुइटेबल। अगर इसके जगह पे हम कुछ ऐसा करें कि जो एक लॉजिकल ग्रुप है उसको फंक्शन के हिसाब से असाइन करें, मतलब मेन फंक्शन अगर हमारा सपोज 15k का है तो एक पार्टीशन हमने बना दिया 15k का, उसमें इसको लोड किया। दूसरा इनपुट फंक्शन था, ये सपोज 8 किलोबाइट का था तो इसके लिए एक हमने पार्टीशन बनाया 8k का। फैक्टोरियल वाला सपोज एग्जांपल के लिए 12k का था। प्राइम वाला सपोज इसकी जरूरत थी 22, और रिजल्ट वाला इसको जरूरत थी हमारा सपोज 5k। तो ऐसा कुछ हो सकता है, हर एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हम इक्वल साइज में अगर ब्रेक करेंगे तो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। अगर मैंने कहा कि 10k के साइज में हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो 10k के साइज में अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो इस केस में हमारी वेस्टेज कितनी होगी? 5k वेस्ट होगा मेन फंक्शन को लोड करने के लिए। हमें दो पेजेस की जरूरत होगी, एक पेज में पूरा 10k डेटा आएगा, एक पेज में सिर्फ 5k डेटा आएगा और 5k हमारा वेस्टेज होगा। मतलब ये मैंने यहाँ पे जो पहला लिखा फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, ये फंक्शन है। दूसरा कॉलम जो है ये है हमारा फंक्शन की रिक्वायरमेंट, और जो तीसरा कॉलम है दिस इज वेस्टेज और फ्रेगमेंटेशन। ये है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे पहले फंक्शन के केस में हमारा फ्रेगमेंटेशन हुआ 5k। दूसरे केस में, अब इसके केस में हमें एक पेज लगेगा पूरा 10k का, कंटेंट है सिर्फ 8k, तो 2k इसमें भी वेस्टेज हुआ। सिमिलरली फैक्टोरियल वाले के लिए हमें 12k की रिक्वायरमेंट थी, इसको दो पेजेस की जरूरत पड़ेगी, इसमें हमारा वेस्टेज हुआ 8k। प्राइम वाले को जरूरत थी 22k की,
किसमें हमारा वेस्टेज हुआ, अगेन 8 के, और रिजल्ट वाले में अगेन हमारा वेस्टेज हुआ 5 के। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया कि वेस्टेज कैसे कैलकुलेट किया मैंने, यहां पर वेस्टेज कैसे कैलकुलेट किया। ये सिर्फ एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि यहां पर जो हमने कैलकुलेशन किया है वो पेज का जो साइज है वो 10 के का साइज है। फिर से समझिए इस चीज को, हम लोग जो सी के प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हम लोग कहते हैं कि मॉड्यूलर अप्रोच ज्यादा बेटर है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सारा कोड को हम लोग एक ही मेन फंक्शन के अंदर लिख दें, उससे एक्सिक्यूट कराएं, तो वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। उसके जगह पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हम लोग अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करके, जो लॉजिकल कंटेंट है उसको छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करके सॉल्व करें। तो सपोज मुझे कोई प्रोग्राम लिखना था सी का, सी का प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे इतने फंक्शंस की जरूरत थी। एक प्रोग्राम था जिसमें मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था और प्राइम नंबर कैलकुलेट करना था या चेक करना था। तो मैंने क्या किया, एक मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के अंदर एक इनपुट फंक्शन लिखा जिसका काम है कुछ इंटीजर वैल्यूज ये पास करेगा। फिर एक फंक्शन लिखा फैक्टोरियल, जो भी इंटीजर वैल्यू पास करी वहां तक के फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट करके देगा। फिर अगला फंक्शन एक लिखा प्राइम, जो चेक करेगा कि जो भी नंबर्स मैंने एंटर किए हैं वो प्राइम है कि नॉट प्राइम नंबर है या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। दूसरा अगला फंक्शन है रिजल्ट, जो भी इनका रिजल्ट आया फैक्टोरियल और प्राइम का उस रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। तो अब यहाँ पर इन तीन फंक्शन का जो कोड होगा वो जरूरी नहीं है सेम लाइन ऑफ कोड हो सारे फंक्शंस में। तो मैंने एजम्पशन के लिए ये माना कि सपोज जो हमारा लाइन ऑफ कोड है वो सपोज एक लाइन के लिए हमने 1 के मेमोरी जरूरत है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है फिजिकली। एक लाइन के लिए हमें जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो सपोज 1K की है। तो जो हमने मेन फंक्शन लिखा तो वो 15K का था, इनपुट वाला फंक्शन में 8 लाइन थी तो 8K, फैक्टोरियल वाले फंक्शन में 12 लाइंस थी तो 12K, प्राइम वाले में 22 लाइंस थी तो 22K, रिजल्ट वाले में 5 लाइंस थी तो 5K। इस तरह से ये मेमोरी रिक्वायरमेंट हो गई इन फंक्शंस की। अभी जो हमने स्कीम डिस्कस करी पेजिंग या पेज सेगमेंटेड मेमोरी, पेज्ड मेमोरी, पेज्ड मेमोरी में हमने देखा कि हम अपने प्रोग्राम को इक्वल साइज के पेजेस में ब्रेक करते हैं। तो अगर हमें इसको इक्वल साइज के पेजेस में ब्रेक करना है तो ये सारे फंक्शंस भी हमें ब्रेक करने पड़ेंगे 10-10 के साइज में। तो अगर हमने मेन फंक्शन को ब्रेक किया तो इसके लिए हमें पेजेस की जरूरत कितने हुए, नंबर ऑफ पेजेस इसको चाहिए हमारे 2 पेजेस, और फ्रेगमेंटेशन कितना हुआ, 2 पेजेस हुए 20K और लोड है 15K, तो 5K वेस्टेज हुआ। सिमिलरली इनपुट वाले को, इनपुट वाले के लिए चाहिए सिर्फ एक ही पेज और यहाँ पे 10K का पेज था, 8K का कंटेंट लोड हुआ तो 2K वेस्टेज। सिमिलरली फैक्टोरियल वाले में, फैक्टोरियल वाले में 2 पेजेस की जरूरत पड़ी 20 और लोड किया कंटेंट सिर्फ 12K का तो 8K वेस्टेज हुआ। प्राइम वाले में 3 पेजेस की जरूरत पड़ी और कंटेंट लोड किया 22 तो 8K वेस्टेज हुआ। रिजल्ट के लिए 1 पेज की जरूरत पड़ी और वेस्टेज हुआ 5K। फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा हमेशा, क्योंकि हमारा जो पेज मेमोरी स्कीम है इसमें सिर्फ एक ही हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो जो हमारा पढ़ने का पर्पस था कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स लोड हो उसमें मिनिमम वेस्टेज हो, तो यहाँ पर अगर हमारा प्रोग्राम मॉड्यूलर प्रोग्राम है तो हमारी वेस्टेज बढ़ गई। ठीक है, अगर ये सीक्वेंशियल प्रोग्राम होता, अगर मैं कहूं कि सारा का सारा कोड मैंने एक ही साथ लिखा होता, मतलब जैसे इस केस में अगर हम बात करें जो हमारा कोड है टोटल, पहला मेन फंक्शन 15
का, दूसरा इनपुट 8 का, फिर तीसरा 12 और फिर 22 और 5, टोटल हमारा हुआ 62। तो अगर हम टोटल साइज की बात करें तो इस प्रोग्राम को टोटल कितना चाहिए, अगर हम प्रोसीजरल अप्रोच से बात करें तो 62 के, और इसके लिए हमें पेजेस चाहिए होते 7 और हमारी वेस्टेज होती 8 के, अगर प्रोसीजरल अप्रोच से लिखा होता। दिस इफ प्रोसीजरल अप्रोच, अगर प्रोसीजरल अप्रोच से इस कोड को लिखा होता तो हमारा जो लाइन ऑफ कोड होता वो अप्रोक्सीमेट, हम इसी को टोटल करके लिख रहे हैं तो 62 लाइंस, तो 62 के का हमें स्पेस चाहिए होता, 7 पेजेस की जरूरत होती और वेस्टेज कितना होता 8 के। अब इस केस में हमारा क्या हुआ, हमारी वेस्टेज हुई, इस केस में हमारा जो वेस्टेज हुआ टोटल वो हुआ आपका 28 के, ठीक है। तो अगर प्रोसीजरल अप्रोच पे काम करेंगे तब तो पेजिंग वाला स्कीम बेटर है, अगर हम अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में डिवाइड करके करेंगे सेम काम को तो हमारी मेमोरी वेस्टेज बढ़ जाएगा, दिस विल इंक्रीज द मेमोरी वेस्टेज। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा पेजिंग स्कीम है दिस इज नॉट सुइटेबल फॉर मॉड्यूलर अप्रोच। अगर हम मॉड्यूलर अप्रोच की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलर अप्रोच में हमारा ये पेजिंग स्कीम सुइटेबल नहीं है। तो एक डिसएडवांटेज और हमने जब कल डिस्कस किया था कि पेजिंग डज नॉट सपोर्ट मॉड्यूलर अप्रोच, तो क्यों नहीं सपोर्ट करता है उसका रीजन ये समझ में आ रहा है, अगर हम मॉड्यूलर अप्रोच पे रन कराना चाहेंगे तो कोड तो रन होगा मगर वेस्टेज बढ़ गई। तो हमारा पर्पस क्या था, ये हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन का, कॉम्पेक्शन पढ़ा फिर पेजिंग पढ़ा, अभी एक टॉपिक और है सेगमेंटेशन। कॉम्पेक्शन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जितनी देर हमारा डेटा शिफ्ट हो रहा है, शफलिंग हो रही है, उतनी देर सीपीयू आइडल बैठा है। पेजिंग हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि अगर प्रोसीजरल अप्रोच है तब तो अच्छा रिजल्ट देगा, मगर अगर ये मॉड्यूलर अप्रोच से हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो उस केस में हमारा फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा अच्छा राम भगवान बीच बीच में अवतार लेते हैं खाली कमेंट टाइप करने के लिए। चलिए अच्छा हाँ कोई क्वेश्चन सुमित, हाँ सुमित आवाज नहीं आ रही है सुमित। सर रैम में जो फ्रेम जो साइज है, नहीं क्वेश्चन नहीं समझाया, अब फिर से बोलिए। फ्रेम का जो साइज है हाँ वो सर प्री डिफाइंड हुआ ना, प्री डिफाइंड होता है वो, हम एक एजम्पशन यहाँ पे हम आपको जो कैलकुलेशन समझा रहे हैं उसमें सिंपल रखने के लिए हमने उसको 10 साइज ले रखा है। वैसे जो भी आपका पेज या फ्रेम का साइज होता है वो 2n होता है, 2 में ही होगा, मतलब पेज हमारा कभी भी 10 साइज का नहीं हो सकता। जो प्रोसेस के लिए जो हम लोग बनाए हैं B1 और A और B के लिए जो बनाए हैं पेज टेबल, हाँ उसका साइज सर जो मतलब रैम का जो साइज होगा वो मतलब अपने आप वही साइज का बनेगा? नहीं उस साइज का नहीं बनेगा, जो प्रोसेस की लेंथ होगी उस साइज का बनेगा। मतलब समझिए जैसे मुझे नोटपैड का यूज करना था, ठीक है, तो नोटपैड प्रोग्राम कितने पेजेस में लोड होगा वो, प्लस हमें एक फाइल एडिट करनी थी नोटपैड का यूज करके वो फाइल कितने पेजेस में लोड होगी, तो उस साइज की हमारी पेज टेबल बनेगी। ठीक
ठीक है, यहाँ पे देखे जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस किया है, इसमें क्या कहा कि नोटपैड, नोटपैड हमारा तीन पार्ट्स में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, और फाइल वन डिवाइड हो रही है एक पेज में, तो टोटल हमें स्पेस कितना चाहिए, चार पेजेस। तो जो हमारी यूजर ए के लिए टेबल बनेगी वो पांच की बनेगी, एक एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा काहे के लिए, क्योंकि इसको हम प्रोटेक्शन बिट के लिए यूज कर रहे हैं, कि अगर कोई ये जो यूजर ए है इसका कोई भी लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऐसा आता है जो इस स्पेस को बिलोंग नहीं करता, तो उसके लिए डिफॉल्ट हमें कहीं पर इनवैलिड बिट सेट करना होगा। तो जो लास्ट है, अगर इन तीन में आया तब तो वैलिड मिलेगा, अगर इन तीन के अलावा कुछ भी है तो वो हमारा लास्ट वाला पार्ट वो हमेशा इनवैलिड होगा। उसी के बेस पे हमारा सर, जैसे यूजर एक से ज्यादा जैसे सर हो गया तो मतलब सर उसका पेज टेबल भी तो सर रैम में स्टोर होता है। हाँ, पेज टेबल भी रैम में स्टोर होता है। तो सर उसको सर एक्सेस करने के लिए मतलब कुछ चाहिए ना उसके लिए भी फिर सर? हाँ, उसको भी चाहिए। ये स्कीम एक्चुअली यूज नहीं होती, ये यहाँ पर हम जो बता रहे हैं ये स्कीम यूज नहीं होती, इन सब का कुछ कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो इसलिए हम इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, बस आपको स्कीम की वर्किंग समझा रहे हैं। जो हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट, बिना नाम का आईडी मत की, ठीक है, वो ठीक है, चले कोई नहीं सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इनका, निलेश का। निलेश सर ये पूछ रहे थे कि जो आप नंबर ऑफ पेजेस से वो फ्रेगमेंटेशन निकाले अभी जो बता रहे थे आप, हाँ सर, वो जो लास्ट वाला हाँ सर वो समझ नहीं आया कैसे निकाले, मतलब नंबर ऑफ पेजेस है। जैसे मैंने कहा मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट कितना है, 15K, ठीक है, 15K स्पेस चाहिए उसको, और हमारे पास जो पेज है वो 10K साइज का है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10K साइज का है, तो कितने पेजेस लगेंगे, दो पेजेस लगेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस लिखे मैंने 2। अब दो पेजेस पे टोटल क्या बताया, जो हमारा एक पेज है वो 10K का है, ये हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल में। अच्छा सर, ठीक है, तो दो पेजेस मतलब पूरा स्पेस कितना हो गया, 20K। हाँ, तो इसमें से 15 तो यूज होगा और 5 वेस्ट हो गया। अच्छा सर, उसी हिसाब से बता रहे हैं? हाँ, उसी हिसाब से, ठीक है सर, समझ गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्रोसीजरल अप्रोच क्या होती है? प्रोसीजरल अप्रोच मतलब कि जहां पर हम लोग एक ही फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे नोट्स, सॉरी, ये जो कोड मैंने लिखा था जो मैंने यहाँ पे फंक्शंस में डिवाइड किया है, इस पूरे कोड को इनपुट भी हम मेन फंक्शन के अंदर ले लें, फैक्टोरियल भी हम मेन फंक्शन में कैलकुलेट कर लें, प्राइम भी मेन फंक्शन में और रिजल्ट भी मेन फंक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग फंक्शंस के टर्म्स में ब्रेक करके ना लिखें, हम लोग सीधे एक मेन फंक्शन लिखें, वाइड मेन, और मेन के अंदर ही ये सारी चीजें हमने लिख दी किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हमारी जो अप्रोच हुई, ये हुई प्रोसीजरल अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच कि हमने अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर लिया, कि हमें एक इनपुट लेने की जरूरत है तो हमने एक इनपुट नाम का फंक्शन बना दिया, फैक्टोरियल की जरूरत थी तो हमने एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना दिया, इसको कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। जहां पे फंक्शंस में ब्रेक किया वो हो गया मॉड्यूलर, और जहां पर हमने एक ही फंक्शन के अंदर सब कुछ लिख दिया वो है हमारा प्रोसीजरल अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन है, नोट्स कब तक मिलेगा? आज तक जितना पढ़ाया इसका नोट्स आपको आज ही मिलेगा,
और हो सकता है असाइनमेंट टू भी आज दूं, सॉरी असाइनमेंट थ्री भी मैं आज ही दूं आपको, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपका मेमोरी मैनेजमेंट में तीन टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला टॉपिक था बेयर मशीन, रेजिडेंट मॉनिटर्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है आपका ये स्कीम जो है पेजिंग। अब पेजिंग के बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन या सेगमेंटेड मेमोरी, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी मंडे को, ठीक है, संडे है, कल संडे को ऑफ छुट्टी, तो मंडे को क्लास होगी आपकी, टाइम यही रहेगा 11 बजे। नोट्स आपको आज सब मिल जाएंगे। असाइनमेंट टू का रिस्पांस नहीं आया, असाइनमेंट टू का रिस्पांस नहीं आया तो आप एक बार स्पैम में चेक कर लीजिए, अगर स्पैम में भी नहीं है तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मैं और ऐड करने जा रहा हूँ सीएस टेक्नोक्रेट पे। आपका जो रिजल्ट वाला सेक्शन है अभी ऐड नहीं हुआ है, उसी में मैं आपका असाइनमेंट सबमिशन वाला भी चीज डाल दूंगा, तो जिसका जिसका असाइनमेंट आ गया है उसकी वहां पर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो अभी नहीं, वो आपको उम्मीद है मंडे या ट्यूजडे में वो फीचर मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आपका असाइनमेंट सबमिट है कि नहीं। जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, क्योंकि अब आपको हम कॉलेज ईआरपी पे अटेंडेंस ग्रांट करने जा रहे हैं, जिसके असाइनमेंट्स नहीं आए हैं उनको एक भी अटेंडेंस नहीं मिलेगी, तो अगर इनकेस आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था अभी तक तो असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। ये अटेंडेंस में मार्क करूंगा आपकी मंडे को, ठीक है। तो आपके दो असाइनमेंट अभी तक सबमिट हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने दोनों असाइनमेंट सबमिट किए हैं उनको टोटल 8 लेक्चर्स की अटेंडेंस मिलेगी, 4 अटेंडेंस थी एक असाइनमेंट पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अब वो किसी भी दिन पे मैं आपको अटेंडेंस दे दूंगा जो मेरे टाइम टेबल के स्लॉट के हिसाब से होगा। मैं सिर्फ अटेंडेंस उन्हीं क्लासेस में दूंगा जिसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए थ्योरी पढ़ाता हूँ, सेक्शन B1 और सेक्शन G। बाकी सेक्शंस की अटेंडेंस आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे जिनको आपने असाइनमेंट सबमिट किया था, संजय गोस्वामी सर या आपके शोभित सर, तो उसके लिए आप उन्हीं लोगों से बात कीजिएगा, मैं सिर्फ अपने सेक्शन की अटेंडेंस दूंगा, और जिसके असाइनमेंट सबमिट है वो आपको मिल जाएगा। सेशनल ऑनलाइन होगा क्या अभी कुछ नहीं पता, अभी कॉलेज की पॉलिसीज डिसाइड नहीं है, जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता तब तक कुछ भी नहीं फिक्स है, जो भी होगा वो आपको पहले से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। चलिए ओके, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? नहीं, चलिए ठीक ओके, थैंक यू क्लास, मंडे को मिलेंगे 11 बजे।